नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी से तो एग्जाम चालू जाएंगे। तो फरवरी में किसी का एग्जाम पहले हो, थोड़ा सा बाद में हो, लेकिन जो फेब वाला जो पार्ट है उसको काउंट नहीं करना चाहिए। तो आपके पास ओवरऑल 3 मंथ है, उसमें भी नवंबर में पूरा आप जानते हो कि दिवाली वगैरह का वेकेशन है, भले चाहे लॉकडाउन चल रहा था इतने दिन से, सब ऑफ ही था, पूरा हॉलीडे चल रहा था, सब लोग घर पे थे। उसके बाद भी हमारे इंडिया में फेस्टिवल वाला पार्ट इतना डोमिनेटिंग है कि वो मैटर नहीं करता कि पहले कितने दिन से हम लॉकडाउन में घर में ही थे, लेकिन फिर भी हॉलीडेज अलग टाइप का फील करना हम चाहते हैं। तो अभी सभी ब्रांच के लिए ये वीडियो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, CS और IT, सभी ब्रांच को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी देखते हो आप लोग कि सभी ब्रांच पे ही हम लोग डिस्कस करते हैं, सभी का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो जितने भी लोग ये क्रैश कोर्स को इन्जॉय कर रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग भी सिर्फ क्रैश कोर्स पे बिलीव करके सिर्फ क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी अपनी एक अच्छी प्लानिंग करना चाहिए कि वो कितने अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैं भी जनरलाइज बात करने आया हूँ सभी के लिए, जो लोग भी क्रैश कोर्स यूजर्स होंगे, या फिर जो क्रैश कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, फुल कोर्स वाले लोग होंगे जो, या फिर क्रैश कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ यूट्यूब को सिर्फ थोड़ा सा फॉलो करते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, फुल कोर्स कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी, उन सभी लोगों के बारे में मैं बात करने आया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे, थंबनेल देख रहे होंगे कि विंटर इज कमिंग। तो बस आप देख सकते हो कि बस नवंबर जैसे स्टार्ट होता है तो ये सीजन स्टार्ट हो जाता है, विंटर वाला सीजन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो फिर तो मन करता है ज़्यादा देर तक सोने का, मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता है, अच्छा मौसम लगता है। और इस वाले टाइम को लोग फेस्टिवल के मोड में भी इंजॉय करते हैं, और भी डिफरेंट मोड है इंजॉयमेंट के, तो वैरायटी ऑफ लोग हैं, तो वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट है। तो अगर टाइम वेस्ट करने का अगर आप अगर सोच के रखे हो तो बड़ा आराम से ये नवंबर आपका निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो दिवाली का जो फेस्टिवल है ये बड़े आराम से आपका टाइम लेगा और आपको पता नहीं चलेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जितनी भी बात करते हैं, एस्पिरेंट के लिए बात करते हैं, अगर किसी की जॉब है और वो जॉब कर रहा है और उसको बस अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसका कोई लेना देना नहीं इन सब एग्जाम से, तो उसके लिए ठीक है। कोई किसी की 50 की एज है, उसके बेटे है, उसकी मतलब बच्चे है, चाहे वो बॉयज मतलब उसका बेटा हो या बेटी हो, एक फैमिली है, तो वो फेस्टिवल को अलग टाइप से इंजॉय करता है। मैं बात कर रहा हूँ एस्पिरेंट की। अब मैं अगर एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ तो एस्पिरेंट का थॉट बहुत अलग होना चाहिए। एस्पिरेंट का थॉट ये दिवाली आते रहेगी, और मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये दिवाली नहीं आएगी। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि अरे यार अभी हम फेस्टिवल को तो इन्जॉय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फेस्टिवल को इन्जॉय करना इंपॉर्टेंट मतलब घर में ही है आपके पास, तो ऐसा कुछ है नहीं कि इतने दिन से तो हम लोग हॉलीडे पे ही चल रहे, मतलब घर में ही है। तो अभी अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वो टाइम है जहाँ पे अब ना अब लेफ्ट करेंगे लोग प्रिपरेशन। तो अभी क्या था कि लोग स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, आपके पास प्रिपरेशन मोड चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो अगर मैं बोलूँ कि जब जनवरी 2020 से जब लोग रहते हैं, या फिर फेब में गेट का एग्जाम होता है, तो फेब 2020 ये बड़ा स्लो रहता है, उसके बाद मार्च 2020 ये भी ज़्यादा पेस नहीं पकड़ता है, फिर अप्रैल मई आना चालू होता है, लोगों को लगता है कि बहुत टाइम है अभी, तो उसके बाद मई, और स्पेसिफिक जब जून और जुलाई वाला टाइम आना चालू करता है तो लोग अपनी प्रिपरेशन मोड को थोड़ा फास्ट करते हैं, यहाँ से फास्ट करते प्रिपरेशन मोड को। ये बड़ा स्लो स्लो वाला पार्ट रहता है। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग फरवरी में गेट का एग्जाम होता है डीमोटिवेटेड रहते, कुछ लोग रिजल्ट के बाद डीमोटिवेटेड रहते, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट करते, अप्रैल में थोड़ा सा परसेंटेज किसी का बढ़ता है, मई वगैरह में कुछ लोग और बढ़ते कि चलो यार प्रिपरेशन करना चाहिए। ये जून जुलाई वाले पार्ट में पूरा इंडिया सोचता है कि चलो अब करना चाहिए, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये जून जुलाई से जो जो हीट है ना, ये स्टार्ट होता है कि चलो प्रिपरेशन करना चाहिए। अब फिर अगस्त भी चल गया, फिर उसके बाद गेट का फॉर्म वगैरह आ जाता है, तो ये बढ़ना चालू होता है, ये सब बढ़ना चालू होता है। सब लोग डिस्कस करते रहते हैं कि क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। सितंबर भी चल रहा है और ये इंक्रीज होते जा रहा है, ये जो है इंक्रीज होते जा रहा है, अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये फिर क्या होता है, आपके पास अक्टूबर आने से लोगों को लगना चालू हो जाता है कि यार अब ना अब मतलब अब फील होना चालू होता है कि अब नहीं हो पाएगा हमसे। जब नवंबर आता है ना, तो नवंबर में ना अब ये स्टार्ट हुआ है नवंबर, अब ये जो नवंबर वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है लेफ्ट करना। तो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट रहते हैं वो लेफ्ट करना स्टार्ट करते, गिव अप मारना चालू करते, ये गिव अप मारने का टाइम है। तो नवंबर जो है वो गिव अप मारने का टाइम,
तो परसेंटेज बड़ा कम होना चालू हो जाता है। फिर दिसंबर में ये वही स्टार्ट हो जाता है आपके पास कि जो जैसे स्टार्ट होता था दिसंबर में, फिर वही आपके पास यही बचता है 1-2, बहुत ज़्यादा अगर मैं बोल दूँ तो ये आपके पास बचा है दिसंबर तक, ये बचता है। जनवरी में परसेंटेज इतना कम हो चुका रहता है कि प्रिपरेशन करने वाले जितने कम लोग रहते हैं जनवरी में, वो जनवरी में ये अगेन वही नंबर होता है, ये वाला नंबर, सेम नंबर रिपीट होता है। और फरवरी में जब गेट का एग्जाम देते तो बहुत ही कम लोग एक अच्छे माइंड सेटअप के साथ एग्जाम देते। तो ओवरऑल बीच में कितना भी हीट था, बीच में आप कुछ भी सोच रहे थे कि यस मैं दुनिया जीत लूंगा और आई कैन डू एनीथिंग, ये बहुत सारा सब कुछ चलते रहता है, वैरायटी ऑफ थॉट, बहुत सारे लोगों का डिस्कशन, इतने सारे इंडिया में डिस्कशन का पार्ट, गेट कितना इंपॉर्टेंट इज, वैरायटी बॉम्बे बहुत क्रिएट किया, मतलब माहौल तो क्रिएट किया, बहुत बहुत डिस्कशन का पार्ट भी बना, पहली बार इतना गेट डिस्कशन का पार्ट बना आईआईटी बॉम्बे के कारण, बहुत सारे कुछ कुछ मतलब चेंजेस भी किया, इतने सारे फंडिंग कंपनी के बारे में बात करना कि ये हो रहा है वो हो रहा है इंडिया में, इतने सारे लोगों का 2020 में यूट्यूब में कंटिन्यूसली वीडियो देना। तो आप सभी लोगों के लिए कस्टमर है, जितने भी लोग हैं, इतने सारे लोग वीडियो दे रहे, तो सबका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको इम्प्रेस करना, चाहे तरीका कुछ भी हो, चाहे मार्केटिंग से तरीका हो, कंटेंट वाइज तरीका हो, कंटेंट वाइज तरीके में बहुत कम लोग जाते हैं, मार्केटिंग का तरीका कोई ऐसा तरीका अप्लाई किया जाए जिससे कि बाद में आप कोर्स लो, क्योंकि लोगों को पता है कि बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल होते हैं और मैक्सिमम लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं, और मैक्सिमम लोग तो बहुत ज़्यादा कम पढ़ाई करते नहीं, बहुत परसेंटेज कम है अच्छे लोगों का पढ़ने वालों का, तो नॉर्मली ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत बड़ा है जो ना कभी भी पढ़ाई नहीं की है, ना कभी पढ़ाई करेंगे। तो जो परसेंटेज है, समझ रहे हो आपके पास, मतलब ये 70-80% है आपके पास ये कवरेज, पता आपके पास कैसे लोगों का, जो आपके पास जो स्टूडेंट्स है, नॉर्मल नहीं बोलूंगा, ये पब्लिक है, पब्लिक जैसे पब्लिक होती ना, तो ये स्टूडेंट कम्युनिटी, पब्लिक वाली स्टूडेंट कम्युनिटी है, ये लोग हमेशा घूमते रहते हैं, वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, नेटवर्क ही 5 लोगों से पढ़ रहे, उसके बाद इनसे गेट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर अलग अलग जगह जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दो चार का आंसर दे देते, उनको लगता है कि दो चार का आंसर देने से लड़के लोग पढ़ जाएगी, पता नहीं उनको लगता है दो चार के आंसर देने से कौन पढ़ता है यार, तो वो लोग को लगता है कि अलग अलग जगह जहाँ पे अपन रिप्लाई करेंगे, उनको लगता है 6 बजे उठ जाएंगे वहां पे जाके रिप्लाई करेंगे तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे, वैरायटी जगह घूमते रहते, बहुत सारी चीजें अप्लाई करते रहते। अल्टीमेटली मैं तो बोलता हूँ कि कुछ लोग प्रिपरेशन उनका मतलब ऐसा प्लानिंग जो 5 ईयरली जो प्लानिंग चलता है ना, मतलब जैसे बी 4 ईयर्स पूरा प्लानिंग था, तो वो लोग मैं देखता हूँ 2017, 2018, 2019, 2020 मतलब अगले 2-3 साल तक वो प्रिपरेशन करते रहेंगे, दे लाइक प्रिपरेशन एक्चुअली, वो लोग एग्जाम इंजॉय नहीं करते, लोग सिर्फ प्रिपरेशन इंजॉय करते, अलग अलग जगह पे जाके बात करेंगे, फेसबुक में कुछ कुछ लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि देखो कैसे फेलियर होते, वैरायटी ऑफ थॉट्स बताएंगे कि कहाँ पे क्या अच्छा है, बताएंगे कि देखो ये कौन सी अच्छी चीज़ नहीं है, बताएंगे कि ये कंटेंट कहाँ पे अच्छा, बताएंगे कि कौन सी टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए। तो वो लोग सीनियर रहते हैं, एकदम सीनियर क्या, प्रिपरेशन मोड के सीनियर होते जो सिर्फ लोगों को गाइड करते रहते हैं। फाइनली एक दिन जैसे होते ना कॉलेज में, आप सुनते होंगे मूवी वगैरह में कि एक सीनियर है जो पिछले 10 साल से सबका सीनियर ही है, उसका कंप्लीट ही नहीं हो रहा, उसका एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ऐसे हमारे इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग सीनियर होते हैं जो कि अच्छे खासे टीचर से भी ज़्यादा सीनियर हो चुके रहते हैं। एक टीचर 4 साल से पढ़ा रहा है तो पता चला कि वो स्टूडेंट बोलेगा सर मैं 6 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो लोग राइट टाइम पे राइट चीज प्लान नहीं करते, राइट टाइम पे सही कंटेंट को नहीं देखते, और अब तो कंटेंट को फील कर पाना, सही कंटेंट को देख पाना ये भी एक आर्ट है, मतलब आसान नहीं है। अब तो यूट्यूब में आप कंटेंट देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब आपको समझ नहीं आएगा कि अच्छा कंटेंट कौन डिसाइड कर पाएगा, तो अच्छा कंटेंट डिसाइड करना भी एक आर्ट है, क्योंकि अच्छा कंटेंट बताएगा कोई कैसे कि अच्छा कंटेंट कैसा है, फिर आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट मतलब व्यूज ज्यादा होंगे, हो सकता है अच्छा कंटेंट, तो कई बार आपको नहीं पता चलता कि अच्छा कंटेंट का मतलब कैसा होता है, क्योंकि आप कभी पढ़े ही नहीं बहुत अच्छे से, तो आपको अच्छा कंटेंट का मतलब भी नहीं पता, तो आपकी जर्नी चलते रहती। तो मैं बोल रहा हूँ ये नवंबर वो टाइम है जहां पर लेफ्ट करने वाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सही में इतने सारे लोग इस विंटर, जो विंटर इज कमिंग है, तो ये जो गिव अप वाला जो है, तो ये गिव अप वाला जो सीजन स्टार्ट हुआ है, ये जो विंटर है ना, ये गिव अप सीजन है, ये गिव अप यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि सब गिव अप मार देंगे अभी, लेकिन ये गिव अप वाला सीजन स्टार्ट हुआ है, अब ये चलते जाएगा, हर एक दिन गिरते जाएंगे लोग। जैसे मैं आज पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, ब्रेकिंग न्यूज था कि अमेरिका में हर सेकंड पे एक कोरोना केस आ रहा है, सेकंड लहर आ चुकी है, हर एक सेकंड पे एक केस आ रहा है करके, लगभग 85,000 के आसपास पर डे के केसेस आ रहे हैं। हमारे इंडिया में तो लोग सोच रहे कि अमर मिर्जापुर में, आप एक छोटा, मैं एक दो या दो तीन ही देखा था मिर्जापुर 2 का, तो उसमें वो था ना मुन्ना भैया, हाँ बोलता मैं अमर हूँ करके, तो हमारे इंडिया की जो पब्लिक है वो भी सोच रही कि यस
हम तो अमर, हमको कोरोना क्या कर पाएगा करके, तो हमारे इंडियन लोग तभी मास्क वास्क पहनना बंद कर दिए, उन लोग मान लिए, उनको ऊपर वाला सपने में आके बोला कि यस वैक्सीन वैक्सीन से कुछ नहीं होता आपको, आप लोग अमर हो, आपको कुछ नहीं होगा करके, तो ऐसे इंडियन पब्लिक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाले टाइम को आप कैसे 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 इंगेज कर रहे हैं अपने आप को। अभी सेल्फ मोटिवेशन की बहुत नीड है। तो ये जो नवंबर का टाइम है, ये गिव अप वाला टाइम है, यहाँ पे हर एक दिन लोग गिरेंगे, हर एक दिन और हर एक दिन में एक नहीं, हर एक दिन में हजारों लोग गिरेंगे, ऐसे हजारों। कोरोना से भी खतरनाक होगा गिव अप, कोरोना में भी इतने लोग नहीं मर रहे थे जितने इसमें मरने वाले हैं, जो गिव अप के कारण जो डाई आउट होंगे ना, गिव अप के कारण वो नंबर बढ़ने वाला है। तो कोरोना से भी ज्यादा आपके पास गिव अप होने वाला है नवंबर, फिर इसका 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 स्टेज टू आएगा दिसंबर, स्टेज थ्री तो समझ ना मतलब सीधे फ्लैट। उसके बाद ना कॉम्पिटिटर बड़े कम हो जाते हैं, पता है जब फरवरी में गेट का एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोगों के फेस के एक्सप्रेशन से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वो बोलेगा यस यस यस, वो दूसरा बोलेगा यस यस यस, इसका मतलब समझ रहे हो आपके पास, वो ही बोल रहा कुछ नहीं हो सकता, अपन ऐसे देने आए क्योंकि फॉर्म भरे थे 1500 रुपये का फॉर्म था, यस यस यस। आप चारों साइड देखोगे तो सब आपको ऐसे दिखेंगे, यस यस यस, जस्ट वी केम फॉर दिस एग्जाम, 1500 की बात थी यार। तो बहुत ही कम लोग बचते, क्यों पता है, क्योंकि ना इस नवंबर, इस दिसंबर और इस जनवरी और जो 2021 उसके बाद जो फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, ये द फाइनल मैच, ये फाइनल मैच में पार्टिसिपेट बहुत कम लोग करते हैं। और फिर बहुत सारा ये पूरी जो जर्नी है, इस पूरी जर्नी में बहुत सारे लोगों को लोग रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, घर में थे मेंटल कर दिए थे यार, बहुत डेली परेशान करते थे, पता नहीं कितना परेशान करते थे, पेरेंट्स को वो लोग बनाएंगे, इस ऑनलाइन दुनिया को बनाएंगे, इस ऑनलाइन कॉलेज को बनाएंगे। कॉलेज में हमको यार बहुत बहुत जबरदस्ती का लास्ट के 2-3 महीने में ना हम लोगों को बोले असाइनमेंट करो, ऑनलाइन असाइनमेंट करो, पूरा करियर बर्बाद कर दिया कॉलेज वाले। फिर कोई कोर्स अगर ज्वाइन किया होगा पेड कोर्स, तो वो उसको बनाएगा कि अरे यार वो दिल्ली वाले लोग 70-80 हज़ार रुपये लेके लेते थे, लास्ट में ऑफलाइन और ऑनलाइन में मैनेज नहीं कर पाए और हमको निपटा दिया। कुछ लोग हमको भी बोलेंगे कि ये लोग यार मतलब बहुत अच्छा तो पढ़ाते हैं लेकिन उसके बाद लास्ट क्लास में मार्केटिंग के लिए फिर वो लोग क्रैश कोर्स लाए, तो उनका ध्यान क्रैश कोर्स में बहुत था, हमारे साइड नहीं था, जबकि हमारा कोई रोल ही नहीं है भाई, आपको कोर्स दे दिया गया, इट्स ओके, हम लाइव क्लासेस ले रहे। तो मतलब मैं फिर भी बताते जा रहा हूँ आपके पास कि वैरायटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, और फिर आपको लगेगा कि यार मेरे से गलती हो गई, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार मैं ऑनलाइन कोर्स में गलत वाले लोगों को ले लिया, मेरे को बहुत सारा डिस्काउंट दे रहे थे, मैं डिस्काउंट में ले लिया और बाद में निपट गया। तो बहुत सारे लोग ना जब फरवरी में जब गेट का एग्जाम देंगे, फाइनल मैच के दिन जब गेट का एग्जाम होगा जिस दिन, तो जो 3 आर्स होंगे, यकीन मानो उस थ्री आर्स में जितने भी ब्रांचेस है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, CSIT, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, जितने भी लोग हैं, ऑल ब्रांचेस, 8.8 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं, नंबर जो आया था IIT बॉम्बे जो अनाउंस की, उस 8.8 में से लगभग 7.5 लोग हो सकता है एग्जाम में अपीयर्स, और बाकी लोग एग्जाम देने जाए नहीं, उनकी दम ही नहीं पड़ेगी, मतलब मे बी 7.7 लाख लोग, 1 लाख लोग एग्जाम ही देने जाएंगे, सोच रहे हो एग्जाम ही देने जाएंगे, दम ही नहीं पड़ेगी एग्जाम तक पहुंचने की, चलो 7.7 लाख। अगर मैं थोड़ा सा भी गुड कॉन्फिडेंस की बात करूं कि सुबह उठ के सोचा गेट का पेपर देना है भाई, यस यस देते हैं, गेट का पेपर पढ़े तो है कुछ, ये मैक्सिमम जो नंबर होगा ना, मैक्सिमम पता आपके पास ये 77,000 होगा, 7.7 लाख, ये मैक्सिमम बिग नंबर। और ऐसा भी नहीं कि 77,000 लोगों की प्रिपरेशन बड़ी गुड होगी, बट फिर भी मान लेता थोड़ी प्रिपरेशन, मीडियम प्रिपरेशन, गुड प्रिपरेशन, वेरी गुड प्रिपरेशन, बेस्ट प्रिपरेशन, ये पूरा नंबर गुड, मीडियम मतलब वही गुड, और वो जितने भी पैरामीटर्स आप बोल सकते हो जो मेंटली एग्जाम देने जा रहे हैं, 77,000 सब एवरेज लोगों को भी ले लिया मैं, इस इतने लोग ही एग्जाम देने जाते हैं, बाकी लोग तो समझ रहे जैसे कॉलेज में नहीं जाते हम लोग घूमने, तो जितने लोग कॉलेज में घूमने जाते हैं उतने ही लोग 7.7 लाख लोग एग्जाम देंगे, अगर मान लो अप्रोक्सीमेटली तो 70,000 मान लो या 77 लिख दिया मैं, तो 7 लाख, 1 लाख लोग तो एग्जाम देने नहीं गए, चलो गए वो 7 लाख लोग ना ऐसे घूमते फिरते मॉल में, देखते हो आप कितने सारे लोग मॉल में घूमते हैं, कि आपको लगता है कि सब शॉपिंग करते हैं, नहीं भाई ये सब लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, क्या मस्त है यार, एक दिन हम भी लेंगे ये। कई लोग तो समझ रहे ना मतलब कई कार वार के शोरूम के अंदर घुस जाते हैं, मतलब रायपुर में अगर पहले जो मैग्नेटो मॉल था वहाँ पे ऑडी का शोरूम था ग्राउंड फ्लोर में, तो कई लोग ऑडी के शोरूम में चले गए, पता है आपके पास
उनके पास बाइक है, उनके पास एक कार भी नहीं, तो भी ऑडी के शोरूम में चले गए। तो लोग इंटरटेन करते हैं, समझ रहे ना, इंटरटेनमेंट वाली चीजों को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको वो करना चाहिए ना जो आप कर सकते हो। तो भैया आप पहला कार अगर लोगे तो ऑडी ले लोगे क्या? अरे भैया सेंट्रो 800 इसी से स्टार्ट करोगे ना, नहीं? ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये गिव अप वाला टाइम है। कितने ऐसे लोग हैं आप लोगों में से जो गिव अप के लिए प्लान करके रखे कि यस, जो रीजन सर्च कर रहे, यकीन मानिए ये जो पब्लिक है ना, ये जो पब्लिक है 7 लाख लोग, ये अभी ना ढूंढ रही होगी इनडायरेक्टली, उनको खुद को भी नहीं पता, कई लोगों को, वो ढूंढ रही होगी वो रीजन जिसमें वो ये जस्टिफाई कर सके कि मैं फेलियर इसलिए हुआ क्यों, ये लोग मेरे को पढ़ने नहीं दिए, ये लोग मेरे को सही तरीके से नहीं पढ़ाए, ये लोग मेरे साथ गलत किए। 7 लाख लोग सर्च कर रहे होंगे, पता आपको इस 77,000 के आसपास या 70,000 के आसपास में से एकदम लेवल की जो प्रिपरेशन होगी ना, मैक्सिमम जो लेवल की प्रिपरेशन होगी, जिसको मैं बोलता हूं मतलब गुड अबव गुड, ये 15,000 से 20,000, इतने लोग ही एक गुड प्रिपरेशन करके एग्जाम में एंट्री मार देंगे। इतने लोग एकदम एग्जाम में एंट्री मारेंगे इतने एकदम अच्छी प्रिपरेशन के साथ में, तो सोचे नंबर कितना कम है। और हम सोचते यार इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे, तो मैक्सिमम तुम्हें बोला 7 लाख लोग तो समझ रहे ना, मतलब पब्लिक है, मस्त मैच वेच देखने जाएंगे, वैसे ही आपके पास गेट के एग्जाम देने जाएंगे, भाई क्या मस्त मजा आया। एक घंटे के बाद अपन सोचे भैया उससे पूछ लेंगे कि जाने दोगे क्या, तो अलग बात है कि 3 घंटे बिठा लेगा, यकीन मानिए अगर गेट वाले बोले कि जिसको जब जाना चले जाओ, यकीन मानो 1 घंटे के अंदर में 5 लाख लोग उठ जाएंगे, 2 घंटे के बाद लगभग 6.5 से 7 लाख के आसपास उठ जाएंगे, सिर्फ 70-75,000 के आसपास लोग ही 3 घंटे तक बैठे रहेंगे, बाकी लोग उठ जाएंगे पेपर से, यकीन मैं बोल सकता हूँ। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने साल से मैं एक एक्सपीरियंस जानता हूँ, फील करता हूँ कि कैसे लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं अपने, क्योंकि अपने आप को आंसर देना पड़ता है कि मैं फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी ये नहीं बोलना चाहता है कि यार मैं फेलियर हूँ। और फेलियर एक एग्जाम का फेलियर, लाइफ का फेलियर नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन फिर भी लोग ना रीजन ढूंढते, अच्छा खासा रीजन सर्च करते, जनवरी में नहीं सर्च करते, यकीन मानिए ये नवंबर से जो गिव अप मारने का जो पार्ट चालू हुआ ना, जो हर दिन हजारों लोग गिरने वाले हैं गिव अप वाले में से, ये लोग रीजन ढूंढ ढूंढ के गिरेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड धोखा दे दी इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद, अब मैं सिर्फ पार्टी करूंगा, सिर्फ ड्रिंक करूंगा रात रात भर, लोगों को ढूंढ ढूंढ के खुद की भी जिंदगी बर्बाद और कुछ लोग की और भी जिंदगी बर्बाद, लोग भी पार्टी ले लेके हैप्पी हो रहे, बोले अरे बहुत लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, गर्ल्स लोग भी मेंटली अनस्टेबल हो गई, वो मेरे को धोखा दे दिया, वो मेरे को यूज कर लिया, अब दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, तो ओवरऑल दुनिया में दर्द बहुत है। कितने ही रीजन वाइज आप चीजों के साइड जाओगे, कितने ही रीजन वाइज चीजों के साइड जाओगे। मेंटली स्टेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंटली स्टेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कई बार समझ नहीं पाते कि मेंटल स्टेबिलिटी क्या चीज होती है, ये समझ ही नहीं पाते। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं आप लोगों को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकूं, बता सकूं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों आप इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो लास्ट क्लास की चीजों को, जबकि पता है, जबकि ये जो टाइम है ना, अगर आप नॉर्मल में थे इस टाइम को ना अपनी स्पीड बना दो, अगर इस नवंबर और दिसंबर में आप अगर ना अपनी स्पीड बना दोगे, मतलब अगर आप इस नवंबर और दिसंबर में अगर समझ लो ना, अगर अपनी स्पीड मेंटेन कर लोगे, जान लगा दोगे इस नवंबर दिसंबर और जनवरी में, तो पता आपके पास आप तस्वीर चेंज करने की उस कैटेगरी में खड़े होंगे जहां पे 15-20 हजार लोग एग्जाम देने वाले, तो यार कितने कम लोग बचेंगे आपके आपके कॉम्पिटिटर में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम हीरो ही बन जाओगे, लेकिन कॉम्पिटिशन में आप आ जाओगे। पता है इस 3 महीने नवंबर दिसंबर और जनवरी अगर आप अपने इनपुट को बढ़ा दोगे, फोकस बढ़ा दोगे, पूरी दुनिया को छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कौन बॉयफ्रेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी कौन गर्लफ्रेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी पापा कितने डांटते, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा पेरेंट्स से कितना बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, क्या फर्क नहीं पड़ता है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन कोचिंग वाले लोग मैनेज नहीं कर पाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गलत कोचिंग को ऑप्ट किए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत ऑनलाइन का कोर्स परचेस किए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ क्या पड़ता है, पता है सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आप चाहते क्या। अगर आप चाहते हो तो फिर कोई दूसरा पैरामीटर आपको हिला नहीं सकता, चाहे आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट किए थे, आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अगर आप ना ये सब पैरामीटर्स में जाओगे तो आप तो यार गिव अप वाले पार्ट में चले गए। तो मैं मानता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट्स है,
मेरा कोई स्टूडेंट से जो मेरे को जानता है तो वो गिव अप नहीं मारेगा, उसका रैंक कितना आएगा आई डोंट नो, उसका रैंक कितना आएगा वो तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्टाइल, उसके मेंटल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। वो पता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन टिप्स देने आया हूं, मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं बताने आया हूं कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि बात सब्जेक्ट की नहीं है, बात है मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि यहां पे लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं गिरते, मेंटल स्टेबिलिटी वाइज गिरते। ये जो 3 महीना है ना, ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करने वाले 3 मंथ, क्योंकि ये सबसे टफ टाइम होता है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ये कोरोना से भी खतरनाक है, अपने आप को मोटिवेट करके रख पाना, यकीन मानिए। इसी में लोगों को मैं गिरते और उठते हुए देखा हूं। कुछ लोग इन 3 महीने में कुछ मैजिक कर देते, पता आपको, आप देखो कि यार ये तो मेरे से होशियार नहीं था, मैं तो इससे पूरा जनवरी से लेके ये जुलाई अगस्त सितंबर में से ही डाउट पूछते रहता था, और मेरा आज रैंक आया 12,000, इसका रैंक आया 1200, हाउ तो होगा भैया? लास्ट के नवंबर दिसंबर जनवरी में ये अपने एनर्जी को मेंटेन रखा, जो बोला गया उसको फॉलो किया। क्रैश कोर्स के लोग रैंक लाने वाले हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्रैश कोर्स जितने फॉलो कर रहे सब हीरो बन जाएंगे, क्रैश कोर्स के लोग रैंक लाएंगे, और आपको बहुत अखरेगा बहुत सारे लोगों को कि क्रैश कोर्स वाले लोग लास्ट के 2-3-4 महीने में क्रैश कोर्स से रैंक ला लिए, क्योंकि फुल कोर्स है, पूरे इंडिया के लिए मैं डिजाइन किया कि फ्री फुल कोर्स है। अगर मैं फ्री फुल कोर्स बोलता तो बहुत सारे लोग, समझ रहे ना, मतलब मेरे को कॉल वॉल करके कुछ कुछ बोलना चालू कर देते, समझ रहे, सोशल मीडिया में लिखना चालू कर देते खराब। कुछ लोग पैसे वैसे दे के पता चला मेरे शार्प शूटर वगैरह ना लगा दे मेरे साइड में, भाई ये कुछ भी कुछ कर रहे करके, क्योंकि हम वो लोग नहीं है कि कुछ देखे कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमको पता है कि हमारा प्रोडक्ट इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, हमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो आप खुद बताओगे माउथ कम्युनिकेशन से, जो पढ़ रहे वो बताएंगे। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस है, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो मैं यार ये क्यों दे पाता, मैं दे नहीं पाता, फिर मैं डर के देता, थोड़ा सा दूंगा फिर थोड़ा सा उनको बुलाऊंगा आगे, फिर थोड़ा सा दूंगा फिर बुलाऊंगा, फिर बोलूंगा कि आप मेरा कोर्स परचेस करो, मैं अगला कंसेप्ट कोर्स में बताऊंगा, एक जगह कंसेप्ट दूंगा, एक जगह क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे करके बनाते जाता, यह तरीका खोजते रहता कि आपको ये करना पड़ेगा, मैं पूरा फ्री कर दिया, आप देख लो आप। और अगर आपको लगता है कि फ्री कोर्स इतना जबरदस्त है, हम लोग का जैसे फ्री कोर्स है, तो जब आप पढ़ोगे ओवरऑल तब आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या होती है, कंसेप्ट की दुनिया क्या होती है। मैं हमेशा टेक्निकल इंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट को सही और गलत का डिफरेंस पता हो, क्योंकि स्टूडेंट इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। क्यों ब्लैकमेल किया जा सकता है? क्योंकि सब एवरेज स्टूडेंट, मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, कुछ बोल के, कुछ करके, कुछ ये करके वो करके किया जा सकता है। और इंडिया में आप जानते ही हो कि मतलब यहां के जो पब्लिक है वो उस वे में स्मार्ट नहीं है, नहीं समझ पाते, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बिग कॉम्पिटिशन, तो नहीं समझ पाते लोग। तो इसलिए मैं बताता हूं कई बार कि चलो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, एटलीस्ट आप आपके साथ गलत ना हो, आप कुछ गलती ना करें। तो मेरे को बस यही लग रहा है आपके पास कि अब आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप अपने साथ क्या चाहते हो। तो मेरे को सुनना है कमेंट्स में कि क्या आप गिव अप करने वाले हो। मैं रैंक की बात ही नहीं कर रहा, कितना रैंक आएगा, मैं रैंक की बात ही नहीं कर रहा। जिंदगी में वो व्यक्ति कभी फेलियर नहीं होता है जो व्यक्ति लास्ट दम तक फाइट करता है। और पता है, एक फाइट करते हुए जब युद्ध में जब कोई लड़ता है ना तो शहीद कहलाता है। तो फाइटर लोग फेलियर नहीं होते चाहे वो मर जाए, फाइटर लोग फेलियर नहीं होते चाहे वो मर जाए, शहीद होते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन मोड में जान लगा रहे, आपका रैंक नहीं आ पाया, 5,000 रैंक आ पाया, लेकिन जो आप ये कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर डेवलप करते हो ना, एटीट्यूड वाली, क्या फाइट करने वाली, ये आपको जिंदगी के बहुत, अभी तो जिंदगी बहुत बची है यार। अमिताभ बच्चन सर जैसे लोग स्टार्टिंग में फेलियर हुए, उनकी साउंड जो था उसको रेडियो पे बोला गया कि अरे यार ये साउंड है, फिल्म में सब लोग शुरू में ले नहीं रहे थे, बोले कि यार इतना हाइट का कोई हीरो होता है, हीरोइन के साथ मैच नहीं कर रहा, आज पूरे लोग उन्हीं की आवाज सुनना चाहते। तो जिंदगी में फेलियर तो सभी का ऐसा स्टार्ट होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि हर व्यक्ति की इंटरेस्ट सुपरस्टार समान होती है। नो, सपना देखने वाले लोग ऐसा सोचते हैं, बाकी लोग क्रिएट करते हैं। कुछ लोग अपने पे बहुत बिलीव करते हैं, वो लोग क्रिएट करते हैं, वेट करते हैं अपने टाइम का, हर बार अपना बेस्ट देने का ट्राई करते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज आपका 3,000 रैंक आ गया, 4,000 रैंक आ गया, क्या आप अपने अपने अंदर एटीट्यूड वैसा लेके आए कि नहीं। अमिताभ बच्चन सर पहले मूवी से कोई हीरो नहीं हो गए, वो वही है, उनकी जो जर्नी थी स्टार्टिंग की वही है जो 3,000-4,000 रैंक वाले की जर्नी होगी ये इस दुनिया में। शाहरुख खान को आप जब देखते हो तो शाहरुख खान सीरियल वगैरह से स्टार्ट किया, अगर आपको स्टार्टिंग का पता होगा तो।
इरफान खान सर तो अब दुनिया में नहीं रहे, उनको देखते होंगे तो चंद्रकांता में देखते होंगे, बद्रीनाथ के एक रोल में थे, बेस्ट रोल एकदम। हम तो बचपन में जब मैं देखता था, छोटा था जब मैं, बद्रीनाथ का रोल था, बेहतरीन रोल था, और भी उस समय डिफरेंट था, लेकिन मेरे को चंद्रकांता की याद है। जर्नी लोग की बॉडी स्लो चालू होती है, तो अगर इरफान खान सर की जिंदगी इतने नॉर्मल से स्टार्ट हुई थी तो यही 4000-5000 रैंक वाले एस्पिरेंट है, अगर उस फिल्म इंडस्ट्री की अगर जर्नी की बात करूं तो। ऐसा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में आया और पहले मूवी में उनको हीरो का रोल मिला और पूरी इंडिया बोली क्या सुपरस्टार है करके, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। छोटे 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 चीजों से लोग बढ़ते हैं, बट वो एटीट्यूड उनका काम आता है, क्योंकि वो मान के चलते कि यस आई विल डू। वो कंपेयर नहीं करते, वो कंपेयर नहीं करते कि यार वो हीरो का बेटा है तो उसको तो सुपरस्टार पहली मूवी में मिल गया, क्या करे कि कोई हीरो का बेटा है तो उसकी एंट्री हो गई भाई पहली मूवी में एकदम सुपरस्टार समान, लेकिन उसको होल्ड थोड़ी कर पाएगा। यदि किसी का रैंक अगर कोई बहुत ज्यादा अगर आ गया तो उसे क्या फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट है आप अपनी जर्नी को कैसे कैरी करते हो। तो ये जो 3 महीने आपकी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट पल है, अब आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि इस 3 मंथ को आप रीजन में देना चाहते हो कि सर ब्रेकअप हो गया इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मैं मेंटल अनस्टेबल हो गया था इसलिए पढ़ नहीं पाया, मेरे कॉलेज का एग्जाम था इसलिए पढ़ नहीं पाया, वो कॉलेज का एग्जाम जिसकी कोई वैल्यू नहीं जिंदगी में, सर मेरे को कॉलेज में सर ऑनलाइन में सर इंगेज करके रखे थे, तो भैया हम तो बी नहीं किए ना, हम बी नहीं किए ना, हम तो बी नहीं किए, हम तो वैसे ही पढ़ाते, तो ऐसा तो नहीं है ना, आइडिया ऑलरेडी क्या हो रहा है करके। तो आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम अभी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं था, ये एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा था, जितना भी टाइम निकला है। अभी भी टाइम निकल रहा है, अभी भी कॉलेजेस वगैरह बंद है, अभी भी कई लोग डर रहे होंगे कि कॉलेजेस वगैरह ओपन हो जाएंगे, उनको तो कॉलेज जाना पसंद ही नहीं है। कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि अरे यार ये कोरोना क्यों चला गया, गेट का एग्जाम हो जाएगा, अपन तो सोचे थे गेट का एग्जाम 2-1 साल ना हो, पूरे इंडिया में एकदम हाहाकार मच जाए। कई लोग तो नेगेटिव लोग ना ऐसे बैठ के सोचते होंगे अरे कोरोना कम क्यों हो रहा है, कॉलेज ओपन क्यों हो रहा है, कुछ लोग गेट का एग्जाम क्यों देंगे, कि मेरे अराउंड के कुछ लोग गेट में रैंक लाएंगे और मेरे को पेन होगा। कितने दिन तक आप जो सोच रहे हो आपके अकॉर्डिंग होगा, है चीजें तो नॉर्मल होगी ना, कितना भी बाउंडर मचेगा चीजें तो नॉर्मल होगी, उस दिन आपका क्या होगा जब प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, जो बीच में इतना टाइम वेस्ट किए हो, रात रात भर दिन भर 12-12 घंटे 14-14 घंटे सोए हो, उसके बाद जो टाइम बचता था बस दिन में 5 बार खाना खाते थे और उसके बाद फोन पे लगे पड़े रहते थे, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, यही सब किए हो मैक्सिमम लोग पब्लिक। तो जो पब्लिक है ना ये सही में जितने भी प्रोफेशनल जो हम लोग हैं उनके क्लाइंट्स है ये, और ये मनी देती है, पूरे लोग ट्राई करते हैं, ये जो पब्लिक है स्टूडेंट कम्युनिटी जो पब्लिक है इनको कैसे इंप्रेस किया जाए, क्योंकि पैसे देने के काम आते हैं, ये वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना खुद के लिए ना सोसाइटी के लिए, लेकिन ये बहुत काम के लोग हैं। क्यों, अरे यही लोग तो करोड़पति बनाते हैं, यही लोग तो लोगों को अमीर बनाते हैं, जितने प्रोफेशनल कोचिंग वाले लोग हैं, और इन लोगों को आप पता भी नहीं, अच्छा कंटेंट वंटेंट को कोई मतलब नहीं, इनको बोल दिया जाए भैया 10,000 में मिल रहा है, अरे 10,000 पापा 10,000 दो ना, पता चला पापा से 30,000 लिए, 10,000 उसको दिए, 20,000 में एक गिफ्ट लिए बॉयफ्रेंड के लिए या तो गर्लफ्रेंड के लिए, और फिर एक पार्टी दी, मस्त पार्टी कर रहे भाई, पापा को भी बनाया हूं करके, पापा को बना के क्या कोई कर लेगा, है ऊपर वाला देख रहा होगा पापा को नहीं बनाया बेटा, अपने आप को बनाया हूं, आप पापा को नहीं बनाया, आप पापा को क्या बनाओगे, हैं उनको क्या बनाओगे, उनकी तो यंग एज चली गई। आप अगर कौन सा अगर आप AIR 1 भी ला लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो दौड़ना चालू कर देंगे, और आपका अगर गेट का एग्जाम नहीं भी निकलेगा ना तो भी ऐसा नहीं होगा कि वो रुक जाएंगे, दोनों ही केस में उनकी जिंदगी के जो यंग एज वाला जा चुका रहता है वो जो होता है वो सस्टेन करते हैं अपनी लाइफ को, धीरे धीरे कैरी करते जाते हैं। आप उनको नहीं बनाए, आप अपने आप को बना रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अभी जो यंग जनरेशन की जो लोग हैं वो ना इतना ज्यादा एंजॉयमेंट पे बिलीव करती है, मैं तो भिलाई जैसी सिटी में रह रहा हूँ, यहाँ तो मेरे को नहीं पता, नहीं तो मैं तो मेट्रो सिटी वगैरह में सोचता हूँ कि इतना ज्यादा नशा करती है, मतलब ड्रिंक पार्टी तो बड़ा नॉर्मल सुनता हूँ मैं, लोग बोलते हैं कि ड्रिंक पार्टी तो आजकल स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, जो ये कॉलेज वाले जो लोग हैं तो ड्रिंक पार्टी को मतलब ऐसे नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो मानते हैं करके, ये तो एकदम नशा करते हैं, नेक्स्ट लेवल नशा करते हैं, मतलब होश ही ना आए ऐसा नशा करते हैं। तो ये यंग जनरेशन क्या कर पाएगी ये सब चीज़ करके, एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यकीन मानिए एट द एंड आपके पास कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। सब चीजें निपट जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ को, एक दिन
कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जो कुछ कुछ जो दोस्त हैं ना आपके अराउंड में 10-12, वो क्या क्या आपको लगता है 10 साल तक आपके साथ रहेंगे, 15 साल तक? सब निकलते जाएंगे, आप धीरे धीरे अकेला फील करते जाओगे अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो। पता आपके पास, अभी मैं जब पढ़ता हूं, मैं क्यों ये सब कुछ बताते रहता हूं अभी ना, अभी अभी पूरे दुनिया में, मैं तो इंडिया की बात करता हूं इसलिए मैं इंडिया पे फोकस करता हूं, ये जो मेंटल स्टेबिलिटी वाला जो पार्ट है ना, वो डे बाय डे कम होते जा रहा है। पता है लोग बहुत जल्दी पेन में आ जा रहे हैं, फिजिकल नहीं, मेंटली उनके थॉट जो है वो नेगेटिव बहुत ज्यादा है। इन्वायरमेंट ऐसा है, न्यूज चैनल देखो, न्यूज पेपर पढ़ो, सोशल मीडिया की बात करो, हर जगह नेगेटिविटी को लोग इंजॉय कर रहे हैं, नेगेटिविटी को लोग इंजॉय करते हैं। तो एक सर्वे से पढ़ रहा था, तो आने वाले 10 साल में, जो आप यंग लोग हो, आप ही की बात कर रहा हूं, आने वाले 10 साल में ये केसेस जो है दुनिया में भी, लेकिन आप इंडिया की बात करते हो तो ये केसेस बढ़ने वाले हैं। मतलब समझ रहे हो ना, आप देखिए कभी को अपने 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 गांव में, अपने सिटी में, कई बार देखिए आपके पास, या आप मेंटल हॉस्पिटल कभी जाना तो आप देखना आपके अराउंड में बहुत सारे लोग अपने आप से बात करते रहते, तो आप देखोगे उनकी ज्यादा एज हो गई या तो पागल व्यक्ति है, आप दिख जाएंगे आपको अपने सिटी में, गांव में कहीं ना कहीं एक दो लोग दिख जाएंगे। और कुछ लोग एज के बाद, लगभग 70 की एज हो गई, तो 70 की एज के बाद वो अपने आप से बात करना चालू करते, तो वो एज का प्रॉब्लम है। लेकिन ये यंग जनरेशन जो आने वाली है, यकीन मानिए 30-35 साल के बाद ही लोग अपने आप से बात करना चालू कर देंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, बताएं हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए बहुत और आपका इनपुट नहीं है, तो आपके जो ड्रीम है ना वो आपको ना बहुत परेशान करने वाले, क्योंकि आपके ड्रीम बार बार आपको बोलते कुछ ऐसा कैसे आएगा, आएगा ही नहीं भैया। आपका इनपुट हजारों गुना कम है और आपके ड्रीम हजारों गुना बड़े हैं, तो मेंटल स्टेबिलिटी वाले पार्ट को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अपने जो टाइम है ना उसको यूज करना सीखो, ठीक है। एंटरटेनमेंट सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं होगा, किसको पसंद नहीं होगा एंटरटेनमेंट, है सभी को पसंद होगा, कौन ऐसा होगा आपके पास, हर मेल अगर कोई है तो उसको फीमेल पसंद होगी, फीमेल को मेल पसंद होगा, क्यों नहीं पसंद होगा, तो बड़ा नेचुरल चीज है। किसको पसंद नहीं होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड हो तो किस करे, गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं पसंद होगा कि उसका बॉयफ्रेंड किस करे। तो एंटरटेनमेंट इज वेरी डिफरेंट, मैं बात कर रहा हूं एक एस्पिरेंट की, उस एस्पिरेंट की, जिस एस्पिरेंट के लिए जिंदगी दांव पे, क्योंकि टाइम जो है ना वो डे बाय डे निकलते जा रहा है और आपके पास कुछ बचेगा नहीं, हाथ में कुछ बचेगा नहीं, कुछ अर्न कर लो, कुछ अच्छा कुछ कर लो, उसके बाद जिंदगी जियो ना, कौन रोकने वाला, ऐसा तो है नहीं कि आप एक दो साल पढ़ोगे और आप यंग से बूढ़े हो जाओगे, ऐसा तो है नहीं, ऐसा है क्या, नहीं है ना ऐसा। तो फिर तो मेरा बस मानना है कि नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जो गिव अप मारने वाला जो टाइम है, प्लीज गिव अप मारने वाले टाइम में मत जाना, एटलीस्ट स्ट्रगल करेंगे, कितना भी रैंक आएगा एटलीस्ट अपने आप में सेटिस्फाइड रहेंगे, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आज प्रिपरेशन टिप्स बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, वो आपको पता है, आप एक एस्पिरेंट हो, आपको 11th क्लास के बच्चे नहीं हो, आप ना एक इंजीनियर हो, एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे पढ़ना है करके, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आता है, पूरे दुनिया में हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह आप वेबसाइट ओपन करो आपको दिख जाएगा कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स का आता है, कौन सा सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन दुनिया में कौन सबसे बेस्ट पढ़ाता है, किसका कंटेंट बेस्ट है, कौन टच करता है फील्ड को, कौन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता है, सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो आप दूर रहते हो, डे बाय डे लोग डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे गेट का एग्जाम पास आते जाता है लोगों का डर बढ़ना चालू होता है, क्यों पता है, क्योंकि फंडामेंटल कंसेप्ट इतने वीक है कि टेक्निकल फियर इतना बड़ा है कि कल जब पेपर ओपन करोगे तो हार्ट बीट समझ रहे दम, मतलब नेक्स्ट लेवल नहीं होगी, अगर डॉक्टर को बिठा दिया जाए ना जितने एग्जाम सेंटर जो होता है उसके बाहर, तो एग्जाम से निकलने में समझ रहे ना, मतलब हार्ट बीट अगर वो लगा दिया जाए डेस्क में आपके कि भाई आप देखो तो 3 आवर्स में देखो कई लोग की हार्ट बीट कितनी फास्ट हो जाएगी, डर एक्चुअली डर कुछ अच्छा करने का, लेकिन बिना एफर्ट के कुछ अच्छा करने का कैसे होगा। तो बस मैं ये चाहता हूं कि स्मार्ट वे से आप अपनी प्रिपरेशन करें, और ये ब्लेम जो गेम होता है ना, ब्लेम करने वाला जो गेम होता है, प्लीज किसी को ब्लेम ना करें, कोई आपके फेलियर का पार्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स, कोई आपका हाथ पकड़ के रोक नहीं लिया था, आपकी गर्लफ्रेंड जो आपको डिच कर दी वो आपके फेलियर का पार्ट नहीं है, आपका बॉयफ्रेंड जो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गया नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप किसी गलत ऑनलाइन कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट किए थे कम पैसे के चक्कर में नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ऑफलाइन में पढ़ते थे कोरोना आ गया उनको तो पता नहीं था ऑफलाइन वालों को कि कोरोना आ जाएगा और फिर आपको हैंडल नहीं कर पाए, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक इंजीनियर चाहे ना, अभी ऑनलाइन दुनिया में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है
जिसको स्मार्ट वे से यूज करना आना चाहिए। आज भी मैं देखता हूं कि एनपीटीएल बरसों से इतना सारा कोर्सेस दे के रखा हुआ है और कुछ गुड कंटेंट दिया, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कनेक्टेड नहीं रहता है, इसलिए उनके में आज भी उनके में कोई कमेंट्स नहीं है, कुछ किसी को कुछ अच्छा फील ही नहीं हुआ। अरबों रुपए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट मतलब पूरा का पूरा लगाई, इतना इन्वेस्ट की, लेकिन उसका बिग रिजल्ट नहीं आया, टेक्निकल एजुकेशन इंप्रूव नहीं हुआ उससे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये जो 3 मंथ है ना आपके पास, इसको ना आप डिसाइड करो। मैं बात करूंगा सिर्फ मेंटल स्टेबिलिटी की। ये 3 मंथ ना आप डिसाइड करो क्या चाहते हो आप। गिव अप करना चाहते हो तो बड़ा आसान है, गिव अप करो और फिर दुनिया की तो इतनी सारी चीजें ओपन है यार, सारी इतनी सारी चीजें। एंजॉयमेंट चाहिए, अरे फुल एंजॉयमेंट कमी है क्या आपके पास? पैसा कम होगा तो भी अलग अलग एंजॉयमेंट, ऐसा ज्यादा पैसे वाले लोग का एंजॉयमेंट अलग होता है, मीडियम पैसे वाले लोग का एंजॉयमेंट अलग होता है, कम पैसे वाले लोग का एंजॉयमेंट अलग होता है। एंजॉयमेंट करना तो क्या, फिर तो लोग बीड़ी पी के भी एंजॉयमेंट कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास पैसा कम होता है वो एंजॉयमेंट नहीं कर पाता। एंजॉयमेंट के लिए क्या है, लोग के मीडियम चेंज हो जाते हैं एंजॉयमेंट के। तो एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना है कि 3 मंथ अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है कि गिव अप मार लेना अभी से। अगर आप दिसंबर में गिव अप मारोगे तो प्लीज यार अभी मार लो, एटलीस्ट आपको दर्द तो नहीं होगा, नवंबर का दर्द तो नहीं होगा, इतना अच्छा विंटर वाला पार्ट आ चुका है, ठंड है, क्यों आप दिसंबर में गिव अप मारोगे? अभी मारो गिव अप। अब जनवरी में गिव अप मारोगे तो फिर पागल थे कि आप जो नवंबर और दिसंबर में प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी मारो ना गिव अप। और अगर अभी गिव अप नहीं मारे तो गेट के एग्जाम तक गिव अप मत मारना, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी अभी 3 मंथ अपने आप को मेंटली कूल रखो। अपने जब आप नहाते रहते हो ना तो 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा नहाओ, एकदम शांति से अपने कंसेप्ट को मेमोराइज करो कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप अपने आप को कनेक्टेड कर पा रहे हो कि नहीं, आप अपने कंसेप्ट को मेमोराइज कर पा रहे हो कि नहीं, अपने जहां पे भी लिख रहा है पूरा हर बार रिविजन मोड में, आपकी जिंदगी का हर दिन का ना 1 घंटा 2 घंटा कैसे भी निकल रहा है लेकिन वो रिविजन मोड में निकल रहा है, पढ़ रहे हो बाकी चीज, रिविजन मोड। ये टिप्स बहुत काम का है, अच्छा फील करोगे आप, अच्छा फील करोगे। अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप जानते होंगे, मेरे को तो जानते ही हो कि मैं तो सिर्फ क्लास ही लेता हूं और गेट अकेडमी को संभालता हूं। तो मैं 16 ईयर्स से मैं कभी कुछ भी केयर नहीं किया, खाने का कोई भी केयर नहीं किया, मतलब कभी ब्रेकफास्ट किया तो रात में फिर 11 बजे खाना किया, उसके बीच में कुछ भी नहीं खाया, ना फ्रूट लिया ना कुछ लिया, मतलब मैं अपना केयर ही नहीं किया हूं, मतलब मान लो कि सिर्फ बहुत एफर्ट मारा। तो आप जिस भी चीज को इग्नोर करोगे वो आपको एफेक्ट करेगा, तो मेरे को एफेक्ट किया। इतने साल बाद जब मैं चलना बंद हो गया मेरा, जब मेरा चल ही नहीं पाया तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले अरे आपको विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बोला अच्छा फिर क्या, अब मेरा रिकवरी मोड ऑन है, मॉर्निंग उठता हूं, इवनिंग में वॉक करता हूं, मीटिंग में वॉक करते करते मीटिंग ले लेता हूं, वहीं पे बुला लेता हूं, मॉर्निंग वॉक करता हूं, मैं जिंदगी को चेंज किया। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन ऐसा है जो अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन हम चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर मैं भी चाहता तो ऐसा सोचता अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो मतलब अब कैसे होगा। तो मैं इंजॉय कर रहा हूं उस रिकवरी मोड को भी इंजॉय कर रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अच्छा स्मार्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा बीमार नहीं लग रहा हूं आपको, मैं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। डॉक्टर बोला था कि लगभग आपको 1 साल का रिकवरी मोड लगेगा, इतना दिन तक आप 16 साल तक अपनी बॉडी के साथ गलत किए तो 1 साल लगेगा। मैं बोला नहीं नहीं मैं 3 मंथ में ठीक कर लूंगा, मेरे को हर चीज मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ही ट्राई करता हूं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं और इंजॉय कर रहा हूं, मेरे फेस में दिख रहा होगा, हैप्पी हूं मैं अपनी चीजों के साथ। अलग वैसे चेंज कर दिया ना, स्टडी चेंज कर दिया, मैं ऑफिस में सुबह से आके लेके रात भर बैठा रहता था, अब मैं ऑफिस से शाम को आता हूं, पूरा काम एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करता हूं, लेकिन मेरे काम में कुछ कमी नहीं हो रही है। लेकिन मैं अपने पे पहली बार केयर करना चालू किया, बस ये है। अब मैं अपने पे केयर करते करते काम करता हूं, पहले मैं सिर्फ काम करता था और केयर नहीं करता था, अब केयर करते हुए काम कर रहा हूं, तो चेंज कर दिया। तो क्यों चेंज नहीं कर सकते आप, क्यों चेंज नहीं कर सकते? तो जो जा चुका है वो जा चुका है,
अगर हम सोचेंगे ओल्ड मेमोरीज के बारे में, तो कोई एक बार आपकी लाइफ से चला गया तो आप कितना भी स्वीट मेमोरी सोचो, आप सॉरी बोलो, जिंदगी में एक बार कोई व्यक्ति चेंज हो गया और दूसरे मोड पे आ गया तो वापसी नहीं होगी उसकी अब, क्योंकि लोग चेंज हो जाते हैं। तो ओल्ड होता है, अब मेमोरीज बन गई है, ये पूरा टाइम जा चुका है, वापस नहीं आ सकता। वापस आने के लिए अगले साल का वेट करना पड़ेगा, ये विंटर जाएगा जनवरी तक, फिर नेक्स्ट सीजन आएगा तो नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि अभी भी आपके पास पेंडिंग टाइम जो बचा है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हो, तो अपने लाइफ का बेस्ट टाइम निकालो 3 मंथ का। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ। मैं आज टेस्ट सीरीज कैसे देना है ये बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, रिविजन कैसे करना, नो, ओनली टिप्स मेंटल स्टेबिलिटी का। आज बस मेरे को यह चाहिए कि आप गिव अप नहीं मारोगे। कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए कि हर जो व्यक्ति जो क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहा है, जो मेरे को फॉलो कर रहा है, जो गेट एकेडमी का PDGD पेन ड्राइव मतलब VOD टैबलेट जो भी कोर्स वाला है, उसमें इतनी गट फीलिंग होना चाहिए कि वो भूलेगा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप मेरे को लिखो कि रैंकर्स बनोगे, मैं ये सब बात नहीं करता, बस आप गिव अप नहीं मारोगे ना, मेरा काम हो गया। बस ये मेरे को चाहिए, ये गट फीलिंग चाहिए कि नहीं सर गिव अप नहीं मारेंगे। सर ऐसे कैसे गिव अप मार लेंगे सर, इतने दिन से सर हम एफर्ट कर रहे हैं, तो एफर्ट तो जीरो हो जाएगा ना सर। यही तो मैं बोल रहा हूं कि एफर्ट जीरो हो जाएगा अगर आप गिव अप मार दिए तो बस यही। आपकी ब्रांच कुछ भी हो, तो आज मैं ब्रांच वाइज बात नहीं करने वाला हूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, आज मैं मेंटल स्टेबिलिटी की बात करने वाला हूं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली स्ट्रांग। तो आधा तो जंग आप जीत जाओगे, बताओ मेंटली स्ट्रांग होने से। जंग जीतने का मतलब रैंकर्स नहीं होता, जंग जीतने का मतलब है कि गेट की एग्जाम के लिए आप एकदम रेडी हो, उस फाइट के लिए, उस रिंग में उतरने के लिए आप रेडी हो। जो फाइनल आपका मैच होने वाला है गेट के एग्जाम के दिन, उस रिंग में उतरने के लिए, उस रिंग में उतर के अगर आप हार भी गए, आपका रैंक 5000 भी आ गया, कोई गम नहीं होगा, बता रहा हूं, क्योंकि आप जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके निकलोगे। लेकिन अगर आप गिव अप मार दिए तो जिंदगी का एक्सपीरियंस क्या ही लिए यार। आप आने वाली जनरेशन को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यह बताओगे कि मैं एग्जाम के टाइम में गिव अप मारता था, फिर आप उसको 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 परेशान करके पढ़ाओगे तो ऊपर वाला भगवान ऊपर से देख रहा होगा, बोलेगा कि यार तुम किस टाइप के इंसान हो, बॉयस हो गर्ल्स, कोई भी जो भी आप लोग हो, अपनी जब बारी थी तो गिव अप मारे और जब अपने आने वाली जनरेशन को उनको उनको मोटिवेट कर रहे हो, किस लिए किस लिए और कैसे। इसलिए बोल रहा हूं अपने अंदर बिल्ड करो कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा ट्रांसफर होता है आने वाला टाइम, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वैसे भी आप स्मार्ट हो, एक इंजीनियर स्मार्ट होता है, उसको पता होता है, उसको पता होता है टाइम कैसे वेस्ट करते, उसको पता होता है कि टाइम कैसे पास करते, उसको बहुत सारी चीज़ पता होती है ना। एक इंजीनियर से स्मार्ट कौन है, मतलब बुक लिखी जा सकती है एक इंजीनियर पे अपने टाइम को वेस्ट करने की, अलग अलग मंथ में वो बता सकता है कि अलग अलग मंथ में कैसे टाइम वेस्ट करते हैं। इंजीनियर बता सकता है आपके पास कि जब सिंगल है, अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तो भी टाइम वेस्ट करने के वैरायटी ऑफ वेज बता सकते हैं। रिलेशनशिप में तो उसके पास और भी वेज बढ़ गए टाइम वेस्ट करने के। रिलेशनशिप में होना गलत नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब ये जो पब्लिक है ये 70-80% और ये जो 7 लाख लोग, जो 7 लाख लोग निपटने वाले हैं, तो क्या वो सब रिलेशनशिप में नहीं है? उसमें से 60% रिलेशनशिप में होंगे, 40% नहीं होंगे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बिहेवियर ही गिव अप मारने वाला है तो आप किसी के भी साथ हो, आप अकेले भी हो दुनिया में, चाहे आप रिलेशनशिप में भी हो, आप किसी काम के नहीं हो, ना सामने वाले पार्टनर के, ना खुद के, ना पेरेंट्स के, ना सोसाइटी के, आप अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले ही नहीं कर रहे हो इस दुनिया में। आपको अगर कोई दूर से देखेगा तो लगेगा कि इस दुनिया में आपका आपका क्या काम, क्या करने आए हो आप। तो चलो ठीक है, तो मेरे को लगा मैं पूरी बात कर देता हूं, और आप तो आपको डिसाइड करना है, आप बताओगे, किसी को लिखना है कि यस सर मैं तो अभी से रेडी हूं सर, तो बिल्कुल आप लिख दो सर, अपन तो सर यहीं पे रेडी है सर, नवंबर आ चुका है, अपन सर गिव अप मारने के मोड में। आप तो बोले वैसे भी डेली हजारों लोग गिरते, तो सर उसमें से एक मैं भी हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है सर, यस सर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। तो देखते हैं कितने लोग गिव अप मारने वाले में पार्टिसिपेट करते, तो करो पार्टिसिपेट करो गिव अप मारने वाले में, आई हैव नो इशू, मेरे को क्या इशू होगा, नहीं मेरे को क्यों इशू होगा, मैं डे बाय डे ग्रो करता जा रहा हूं। लास्ट 3 साल में मेरा ग्रोथ जो है वो मतलब एक्सपोनेंशियली का भी अगर पावर बोलूं तो एकदम पैराबोलिक वे में भी है, मतलब एकदम पैराबोलिक वे में भी, मतलब अगर आप रैम सिग्नल
और एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंटल सिग्नल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हाईली आपके पास इंक्रीजिंग हो जाएगा, लगभग वैसे ही ग्रोथ है ग्रेट एकेडमी का। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर डूइंग वेरी बेस्ट। नहीं, मेरा काम है कि मेरे से जुड़े हुए लोग के बारे में मैं एक प्रॉपर एक आइडिया दे सकूं, उनकी जिंदगी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकूं, कम से कम कुछ लोगों को बचा लूं। रैंकर्स बनाने की बात नहीं कर रहा, मेंटली स्टेबल बनाने की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को मैं आने वाले समय में जो मेंटली अनस्टेबल हो सकते हैं वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, कम से कम मेरे को जानने वाले लोग एटलीस्ट मैं ये तो कर सकूं। ऐसा ना होना कि मेरे को 10 साल बाद 12 साल बाद लोग मेंटल हॉस्पिटल में बुला रहे साइकोलॉजिकली कि आप यहां पे मोटिवेशन दो करके, उस दिन कितना मेरे को दर्द होगा ना। और उस मोटिवेशन में स्पीकर बन के गया एक मेंटल हॉस्पिटल में और लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि भाई स्टेबल होना चाहिए, और उसमें से एक देखा और एक मेरे को बोला कि सर गुड मॉर्निंग सर, कितना दर्द होगा मेरे को। अरे ये मेरा स्टूडेंट था तो भी मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया, तो मेरे को पेन होगा बहुत। ठीक है, चलो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, नॉट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये क्या है, प्रिपरेशन टिप्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो आप में से बेटर जानते हो। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप गिव अप मारने वाले हो या फाइट करने वाले हो, बस इतना ही चाहिए मेरे को, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।